अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप जो है इंजॉय कर रहे होंगे। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ का दूसरा मैच भी शुरू होने वाला है, लेकिन पहले मैच में कामयाबी का असल राज क्या है और इसमें विराट का क्या किरदार है, आज के एपिसोड में मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा। इंग्लैंड और भारत की सीरीज़ ख़त्म हो गई है और न्यूजीलैंड की टीम भी भारत नहीं आ रही, तो दो बड़ी सीरीज़ का नुकसान हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। बाबर आजम ने बता दिया है कि उनके निशाने पर कौन है। पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस डर्बीशायर में जारी है और वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में अपने मेन हथियार से महरूम होने के ख़तरे में मुब्तला हो गई है। ये और बहुत सारी खबरें हैं, तो लाइक कीजिए और क्रिकेट ड्रामा शुरू करते हैं। तो क्रिकेट ड्रामा में आज सबसे अहम खबर ये है कि जनाब वेस्ट इंडीज़ की कामयाबी में एक भारतीय का बहुत बड़ा हाथ था और वो कोई और नहीं, वो विराट कोहली हैं, जिन्होंने जेसन होल्डर को पूरे मैच के दौरान मशवरे दिए और ये मशवरे चलते रहे सोशल मीडिया पे। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम कामयाब हुई तो विराट कोहली ने ट्वीट भी किया और बहुत मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुए, लेकिन जेसन होल्डर ने एक वेस्ट इंडीज़ के अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस कामयाबी में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जो उन्हें मशवरा देते रहे। सेशन वाइज तो उन्हें मशवरे नहीं हो सके, लेकिन उनके मशवरे मैच के ख़त्म होने पे, एक दिन के ख़त्म होने पे काफ़ी हुए और उनके ही मशवरे पे उन्होंने अटैक खुद किया, जबकि कैमारूच मौजूद थे और कैमारूच से अटैक करने का पहले फ़ैसला हुआ था, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को सरप्राइज़ किया और मैच में इंग्लैंड ने सारा जो है फोकस कैमारूच से निमटने के लिए और गैब्रियल से निमटने के लिए किया था, लेकिन जब उन्होंने पहली इनिंग में तबाही मचाई तो इंग्लिश टीम संभल नहीं पाई और ये सारा कुछ उन्होंने प्लान किया था और इन्हें बिल्कुल गाइड किया था विराट कोहली ने, और विराट कोहली की गाइडेंस की वजह से इन्हें पहले टेस्ट में कामयाबी हुई। और विराट कोहली से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो अक्सर एक दूसरे से मशवरा करते रहते हैं विकेटों के हवाले से, सीरीज़ के हवाले से, और विराट उन्हें काफ़ी अच्छे मशवरे देते हैं और उनके मशवरों से उनको काम। जनाब वो खेल चुके हैं और आईपीएल में उनका खेलने का इरादा भी है, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को आईपीएल से बहुत फ़ायदा हो रहा है और उनको उनकी पूरी दुआ है और वो उम्मीद से हैं कि जनाब बिल्कुल आईपीएल होगी, और आईपीएल अगर होती है तो ये यकीनन वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर्स से उनको सीखने का बहुत मौका मिलता है। और अच्छी बात है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली के मशवरों से वेस्ट इंडीज़ को कामयाबी मिली। दूसरे टेस्ट के लिए भी वो टीम में कुछ तब्दीलियां करने का फ़ैसला कर रहे हैं। एक तब्दीली तो मजबूरन की जा सकती है और वो है पहले मैच के मैन ऑफ द मैच गैब्रियल की, जो यकीनन एक सेटबैक होगा कि ऐसे वक्त में जब जो रूट वापस आ रहे हैं, जब जनाब स्टीवर्ट ब्रॉड इंग्लिश टीम में वापस आ रहे हैं और उसको मजबूत बना रहे, ऐसे वक्त में मैन ऑफ द मैच बॉलर से महरूमी मुमकिन नहीं है। गो जैसन होल्डर पर उम्मीद है कि हो सकता है कि मैच से कबल वो फिटनेस हासिल कर लें, क्योंकि पहले भी वो कोहनी की तकलीफ में मुब्तला हुए थे और इतलात ये है कि उनकी वो तकलीफ़ दोबारा से शुरू हो गई है। अगर ऐसा होता है और वो गैब्रियल नहीं खेल सकते तो ये यकीनन और वेस्ट इंडीज़ के लिए काफ़ी ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ काफ़ी डिपेंड कर रही है गैब्रियल पे, जैसन होल्डर पे, और टीम में मज़ीद तब्दीलियों की गुंजाइश नहीं है। कैम्बल की फ़िटनेस पे भी जैसन होल्डर कह रहे थे कि वो उन्हें उम्मीद है कि वो मैच से पहले फिट हो जाएंगी, अगर वो फिट नहीं होते तो मज़ीद दो एक तब्दीलियां की जा सकती हैं। इंग्लैंड की टीम में तीन तब्दीलियां तो यकीनी हो गई हैं, स्टीवर्ट ब्रॉड वापस आएंगे, जो रूट वापस आएंगे, और हो सकता है ओपनर जो है स्पिन अटैक को भी फारिग कर दिया जाए और चार पेसर्स के साथ खेलें, और यकीनन जेम्स एंडरसन को भी आराम देने का फ़ैसला हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे टेस्ट में वो ना खेले, लेकिन जेम्स एंडरसन चाहते हैं कि जनाब वो खेलें और उनकी पूरी ख्वाहिश ये है कि
वो अपने होम ग्राउंड पे ज़रूर मैच खेलेंगे। वो दो टेस्ट होम ग्राउंड पर ही हैं और उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि उसको मसाइल हों और उनके खिलाड़ी जो है मुश्किलात करें। बुरी खबर ये भी है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और वो ये है कि जनाब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें जो भारत आने वाली थी अब वो नहीं आ रही, और फ्यूचर टूर प्रोग्राम के बारे में अहम फैसला होगा 17 तारीख को। एथिक्स कमेटी का इजलास है और वो अहम फैसला करने जा रही है कि भारतीय टीम क्या करेगी, और ये भी गौर किया जाएगा कि क्या भारतीय टीम को 6 हफ्ते के ट्रेनिंग कैंप के लिए दुबई भेजा जाए। वो अभी इसकी कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन ये एक ऑप्शन है और इस पर गौर ज़रूर हो रहा है कि जनाब दुबई में अगर भारतीय टीम को प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वर्ल्ड T20 का भी फैसला अगले हफ्ते मुतवक्के है कि जनाब ऐलान हो जाएगा। वर्ल्ड T20 तकरीबन कैंसिल तो हो चुका है, लेकिन एक रस्मी ऐलान होना बाकी है और ज़्यादा उम्मीद यही है कि रस्मी ऐलान यही होगा। उसके बाद IPL करवाने के लिए भी बड़ा मसला होता है। ऑस्ट्रेलिया ने वो बिग बैश का ऐलान कर दिया है और बिग बैश दो बड़े जनाब सीरीज़ के दरमियान होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम खेल रही होगी, इसी दौरान बिग बैश भी शुरू हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के शायकीन के लिए बहुत बड़ी बात है, एक तरफ से वो बिग बैश की T20 को महसूस होंगे, दूसरी तरफ जनाब वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सुपर सीरीज़ देख रहे होंगे। तो अच्छी बात है कि क्रिकेट बड़ी अच्छी होने वाली है नवंबर दिसंबर के दौरान, और जनवरी में भी अच्छी क्रिकेट होने वाली है और इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है, लेकिन इंडिया के मसाइल बढ़ रहे हैं और इंडिया में कोविड काफ़ी बढ़ रहा है। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि ये जो मसाइल हैं इनसे क्रिकेटर्स को भी बचाया जाए और क्रिकेट को भी बचाया जाए, और जो नुकसान हो रहे हैं उसको भी कम किया जाए, क्योंकि मुस्तकिल नुकसान हो रहा है इंडिया का। अगर IPL भी नहीं हो पाती तो ये यकीनन एक बड़ा नुकसान होगा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड मुस्तकिल नुकसान से थोड़ा बहुत परेशान अब होना शुरू हो गया। खबर यह है कि बाबर आजम ने टारगेट कर लिया, और बाबर आजम कहते हैं कि जोफ्रा आर्चर उनका मेन टारगेट होंगे, जेम्स एंडरसन को भी वो बख्शने वाले नहीं हैं, और अगर स्टीवर्ट ब्रॉड भी उनके सामने आए तो वो उनको भी किसी जो है खाते में लाने वाले नहीं हैं। उनकी पूरी तैयारी है, हर इंग्लिश बॉलर उनके निशाने पर, लेकिन उनका ख़ास जो है हदफ है वो जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन है, और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ खेलने की पूरी तैयारी कर ली, और वो इस वक्त सबसे ज़्यादा टाइम जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर पर दे रहे हैं। स्टीवर्ट ब्रॉड के ख़तरे से भी वो पूरी तरह वाकिफ है, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह साउथहैम्पटन के विकेट्स हैं जो अनइवन बाउंस है, और अनइवन बाउंस को सबसे बेहतर दुनिया में जो है स्टीवर्ट ब्रॉड इस्तेमाल करते हैं, जेम्स एंडरसन की फॉर्म और रिदम वापस आ सकता है, क्योंकि अभी दो और मैच हैं, अगर वो फॉर्म और रिदम में वापस आते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी ख़तरा बन सकते हैं। जोफ्रा आर्चर जो है मुस्तकिल पेस में बॉलिंग करा रहे हैं, और ये बात पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है कि वो मुस्तकिल पेस से बॉलिंग करा रहे हैं। अगर वो मुस्तकिल पेस से बॉलिंग करवाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है, और पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में जो इत्तला आ रही है कि वो विकटें नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस मैचेस में टीम का फोकस ही नहीं था कि विकटें ली जाएं, बल्कि टीम को बैटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी थी, और इसी वजह से बॉलर्स ने उन लाइन्स पर बॉलिंग करवाई जिन लाइन्स पर अमूमन इंग्लिश बॉलर करवाते हैं, और उन लाइन्स पर हमने बैटिंग की प्रैक्टिस की और दोनों टीमों की तरफ से अच्छे स्कोर बने। तो इतनी बड़ी कोई ख़तरे वाली बात नहीं, पाकिस्तानी बॉलर्स चाहते तो इस सीरीज़ में बहुत आसानी से बहुत से बैट्समैनों को आउट कर सकते थे, और वो काफ़ी अच्छे हैं। पाकिस्तान के पेसर नसीम शाह से वो काफ़ी मुतासर हैं, इसके साथ साथ उनका कहना था कि उनका कंपैरिजन जो है पूरी दुनिया के अच्छे बैट्समैनों से हो रहा है और वो इससे खुश हैं। वो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से भी बहुत मुतासर हैं और उनसे सीखते हैं, और इस वक्त वो बड़े खिलाड़ी हैं और वो उनसे सीख रहे हैं,
और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहे हैं। और विराट कोहली तो इस वक्त सुपर क्रिकेटर हैं, तो काफ़ी उनसे सीखते हैं और दुनिया के बहुत से खिलाड़ी उनसे बात भी करते हैं, मशवरा भी करते हैं, और वो भी विराट से जब मौका मिलता है बात करते हैं और मशवरा करते हैं, और विराट कोहली उन्हें काफ़ी अच्छी टिप्स देते हैं। तो उन्हें कोई मुकाबला नहीं करना, बल्कि उन्हें अपना गेम खेलना है, अपनी क्रिकेट खेलनी है, और क्रिकेट जो है दिन ब दिन इम्प्रूव करनी है। और उनकी इम्प्रूवमेंट में यकीनन बड़े क्रिकेटर्स का हाथ है, और वो उसको बिल्कुल तस्लीम करते हैं कि विराट कोहली के मशवरों का उनको अक्सर फ़ायदा हुआ है और विराट कोहली की वजह से उनकी बैटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो विराट कोहली जनाब एक तरफ वेस्ट इंडीज़ की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाबर आजम की मदद कर रहे हैं, और बाबर आजम जनाब चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट बहाल हो और कम अज़ कम जो है PSL और IPL ही क्या कोई मैच हो जाए अगर इंटरनेशनल क्रिकेट मुमकिन नहीं है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।